नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और फिर से एक्सपो कार चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सटर का सेकंड बेस मॉडल। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड बेस मॉडल में क्या क्या फीचर्स मिलने वाला है और बहुत ही जबरदस्त डिजाइन के साथ हुंडई ने एक्सटर को लॉन्च किया है। बहुत शानदार लग रही है, देख सकते हैं। और ये जो कलर है आप देख रहे हैं, ये रेंजर खाकी नाम से ये न्यू कलर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। ये है दोस्तों सेकंड बेस मॉडल जो कि एक्सटर का है, आप देख रहे हैं। और जो नाम है इसका वो एस मॉडल से नाम आता है। तो यहाँ पे देखेंगे आज हम सेकंड बेस मॉडल के बारे में एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स में आ रहे हैं और कितने का प्राइस है, क्या माइलेज दे देती है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसके डिजाइन से। तो यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड बेस मॉडल है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर आपको लिखा हुआ मिलता है फ्रंट में, जो काफी शानदार लगती है। एच शेप में यहाँ पे DRLs आ जाता है LED में, जो कि ग्लो करता है। इससे नीचे जो मॉडल आता है यानी बेस मॉडल, उसमें दोस्तों ओनली डिजाइन होता है, ग्लो नहीं करता है। इंडिकेटर इसी में प्लेस किया हुआ है हैलोजन में। नीचे जो है आपका जो है हैलोजन में हेडलैम्प्स मिल जाता है। छोटा सा यहाँ पे पायलट लैम्प दिया जाता है, लेकिन वो दोस्तों यहाँ पे पायलट लैम्प है नहीं, वो अपना डिजाइन है बस। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में ग्रिल, फ्रंट में सिल्वर स्किड प्लेट है, काफी बोल्ड डिजाइन के साथ यहाँ पे आपको इसका फ्रंट डिजाइन देखने के लिए मिलता है। ये था दोस्तों एक्सटर का सेकंड बेस मॉडल। अब आपको इसका साइड प्रोफाइल दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों कार का साइड प्रोफाइल, देख सकते हैं। प्रॉपर आपको यहाँ पे SUV लुक के साथ यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। ये जो सेगमेंट है ये माइक्रो SUV में आता है, जो कि पंच से सीधे कॉम्पीट करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस मॉडल में व्हील कवर आ जाता है, सिल्वर व्हील कवर। और दोस्तों यहाँ पे जो टायर मिलता है वो 165/70R14, यहाँ तो 14 इंच का आपको स्टील रिम मिलती है व्हील कवर के साथ। और यहाँ पे फेंडर पे इंडिकेटर, ORVM दोस्तों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आता है बट मैनुअली फोल्डेबल है। ए पिलर ब्लैक टेप्ड आउट है। बी पिलर जो है बॉडी कलर के साथ है। सी पिलर में अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है वो पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आ रहा है, काफी बढ़िया है। फ्यूल टैंक यहाँ पे 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। अब आपको कार का रियर दिखाते हैं। यह है दोस्तों कार का रियर प्रोफाइल, तो देख सकते हैं काफी शानदार यहाँ पे लग रही है। खासकर ये DRL जो है एच शेप में यहाँ पे ग्लो करता है, बहुत जबरदस्त यहाँ पे लगता है। ब्रेक लाइट दोस्तों हैलोजन में है, इंडिकेटर हैलोजन में, रिवर्स लैंप यहाँ पे दिया गया, बट आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा नहीं आता है इस मॉडल में। रिवर्स लैंप दे दिया है बट रिवर्स कैमरा यहाँ पे नहीं मिलता है। एक्सटर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सटर यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, हुंडई का नया वाला जो लोगो है सिल्वर फिनिशिंग में। प्लेन ग्लास, हाई माउंट स्टॉप लैंप, ऊपर जो है अपना पोल एंटीना। और रियर में अगर आप देखेंगे तो दो आपको रिवर्स सेंसर्स यहाँ पे मिलता है, एक और यहाँ पे दो ये। बाकी रियर में आपको जो सिल्वर स्किड प्लेटें हैं काफ़ी शानदार बेहतरीन लग रही है इसकी वजह से। और इसका जो स्टेपनी वगैरह इसके अंदर ही है। अंदर अब इसका बूट दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैटिंग आपको ऑफर कर रही है कंपनी, मैटिंग आपको साथ में मिल जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टेपनी यहाँ पे दिया गया है, जो कि है 165/70R14, सेम प्रोफाइल का यहाँ पे स्टील रिम मिल जाता है स्टेपनी का। बाकी यहाँ पे हुक यहाँ पे दिया गया है, पार्सल ट्रे जो काफी मजबूत है। बूट स्पेस यहाँ पे बात करें तो 391 लीटर का दोस्तों यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। करते हैं इसको बंद। अब आपको इसका कार का इंटीरियर दिखाते हैं। तो इंटीरियर में इसका डोर अगर आप देखेंगे तो एस मॉडल में आपको जो है यहाँ पे ऑल पावर विंडो ड्राइवर ऑटो डाउन के साथ आपको मिलता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेंट्रल लॉकिंग वाला बटन, मिरर एडजस्ट करने वाला बटन और लेफ्ट राइट वाला जो भी करना है उससे एडजस्ट कर सकते हैं। इनर डोर हैंडल यहाँ पे भी थोड़ा टेक्सचर यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं फील होगा आपके हाथों में। बॉटल होल्डर, न्यूज पेपर होल्डर, स्पीकर, ग्रिल्स, यहाँ पे दोस्तों आपको हेडलैम्प लेवल करने वाला बटन आ जाता है। सीट इसमें दोस्तों हाइट एडजस्टेबल मिल जा रहा है। सीट प्रॉपर यहाँ पे फैब्रिक में मिलता है, जो कि फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ आता है जो फ्रंट वाले हैं, बट आपको जो रियर वाले जो हेडरेस्ट होंगे वो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाते हैं। बैठते हैं अंदर, फिर आपको आपको एक एक करके फीचर दिखाते हैं। यहाँ देखेंगे तो स्टीयरिंग दोस्तों यहाँ पे राउंड शेप में आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्टीयरिंग में कंट्रोल्स मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम अप डाउन, कॉलिंग का और अपना जो है वॉइस कमांड का यहाँ पे बटन दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है MID डिस्प्ले, यहाँ पे जो चेंजेस करने के लिए अपने फंक्शन को एडजस्ट करना, सेटिंग करना, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे लाइट, डोर्स, कन्वीनियंस, यूनिट, रीसेट वाला, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टेयरिंग जो है ये फिक्स्ड आ रहा है दोस्तों। एस मॉडल में है सेकंड बेस मॉडल, लेकिन इसमें आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता है स्टेयरिंग। वाइपर वाले फंक्शन यहाँ पे जो है हेडलैम्प वाले जो नॉर्मल आ रहा है, और
प्रॉपर यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, क्लस्टर देख सकते हैं। बाकी इसमें TPMS वगैरह सारे फंक्शन यहाँ पे दिखाते हैं और ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ ये आता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आ जाता है, बहुत जबरदस्त साउंड है इसका। और बाकी इसमें कैमरा नहीं आता है, टच स्क्रीन है, आपको कैमरा अलग से एड ऑन कराना पड़ेगा, मतलब या तो आफ्टर मार्केट लगा लीजिए, शोरूम से लगवा लीजिए। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो डैशबोर्ड में यहाँ पे भी आपको थोड़ा टेक्चर फील होगा। यहाँ पे जबरदस्त लग रहा है इसका इंटीरियर, ऑल इंटीरियर ब्लैक देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसी वेंट के चारों तरफ जो की है ग्रीनिश का यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है, एसी वेंट का यहाँ पे हो गया। बाकी यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैनुअल एसी मिल रहा है और नीचे टाइप सी पोर्ट 12 वोल्ट के लिए आउटपुट, और यहाँ पे जो है अपना यूएसबी पॉइंट मिल जाता है, फोन रखने के लिए थोड़ा स्पेस। और ये रहा इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, दो कप होल्डर या बॉटल होल्डर बोल दो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेन वगैरह रखने के लिए स्पेस, और ये रहा इसका हैंड ब्रेक। यहाँ पे जो इसका ग्लव बॉक्स है वो सिंपल ग्लव बॉक्स आ रहा है, और यहाँ पे मैनुअली डे नाइट एडजस्टेबल आ रहा है। टिकट होल्डर इधर अपना जो है वैनिटी मिरर मिल जाता है, ये रहा इसका माइक्रोफोन, ये रहा इसका कैबिन लैंप। तो ये था दोस्तों इसका कार का इंटीरियर। अब आपको रियर कैबिन एक बार दिखा देते हैं, कैसा क्या स्पेस वगैरह है, आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा बहुत। करते हैं इसको ओपन, तो रियर वाला यहाँ पे डोर देखेंगे तो सेम आपको वैसे ही मिलने वाला है, वही यहाँ पे फिनिशिंग जो फ्रंट वाले डोर की तरह है। ये रियर इनर डोर हैंडल हो गया, बॉटल होल्डर, स्पीकर ग्रिल्स, 4-speaker सेटअप आता है इसमें दोस्तों। और ये रहा इसका एडजस्टेबल हेडरेस्ट, मैंने पहले बता दिया था। अंदर बैठते हैं फिर आपको थोड़ा स्पेस दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे जो है अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है देख सकते हैं, लेग रूम बहुत बढ़िया यहाँ पे मिल जाता है, हेडरूम की तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको हेडरूम मिलेगा देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे रियर एसी वेंट मिल जाएगा, जो कि इसका ब्लोअर स्पीड कम ज़्यादा करना हो, और यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट यहाँ पे भी मिल जाता है। रियर सीट बैक पैक पॉकेट इसमें दिया गया है बट इस साइड में नहीं दिया है, और कुल मिला के इस तरीके से इसका रियर कैबिन स्पेस आपको मिलता है। यहाँ पे पार्सल ट्रे की यहाँ पे स्पेस देखेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप आराम से 2 bags आराम से यहाँ पे आप रख सकते हैं, जो कपड़े वाला बैग होता है वो आराम से इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप इसके कैबिन देखेंगे, इसका फ्रंट कैबिन, तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। अब आपको इसका इंजन दिखा देते हैं एक बार। तो ये है दोस्तों एक्स्टर का इंजन, यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 liter का कप्पा इंजन आता है इसमें 4 cylinder के साथ, जो 83 PS का पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस इंजन में 19.5 kmpl का माइलेज जो क्लेम होता है, बट 16-17 के आसपास में अप्रोक्स ये इंजन माइलेज आपको दे देता है। इसको करते हैं बंद। अब दोस्तों बात करेंगे इसकी कीमत की, तो यहाँ पे कीमत जो है इसका एक्शोरूम वो 7,37,400 इसका एक्शोरूम कीमत है। और अगर आप इसका ऑन रोड उत्तराखंड से परचेस करते हैं तो ऑन रोड दोस्तों इसका जाएगा 8,58,000 के आसपास में ये ऑन रोड बैठ जाता है। दोस्तों आपको कैसी लगी ये कार मुझे कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।